चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। तीन सिक्के दिए गए हैं, एक सिक्के के दोनों ओर चित ही है, दूसरा सिक्का अभिनत है जिसमें चित 75% बार प्रकट होता है, और तीसरा अनभिनत सिक्का है। तीनों में से एक सिक्के को यदृच्छ चुना गया और उसे उछाला गया। यदि सिक्के पर चित प्रकट हो तो क्या प्रायिकता है कि वह दोनों चित वाला सिक्का है। अच्छा, दोनों चित वाला सिक्का कौन सा है? पहला वाला। देखो पहला वाला, एक सिक्के के दोनों ओर चित ही है, यानी पहले बात कर रहा पहला सिक्का है। यह ना कहकर कि पहला सिक्का है, उसने यह कह दिया कि भैया दोनों ओर चित हो। जैसे हम लोगों ने एक बॉक्स वाला क्वेश्चन किया था, गोल्डन वाला, सोने वाला, जिसमें नहीं कह रहा था कि हाँ सिक्के में थे चांदी के, तो उसी तरीके से। तो यहां पर यह तो पता चल गया कि बेज की प्रमेय लगने वाली है। क्वेश्चन नंबर 15 और बेज की प्रमेय लगेगी। तो सबसे पहले यहां पर यह देखते हैं कि प्रश्न को दोबारा पढ़ते हैं लास्ट में। यदि सिक्के पर चित प्रकट हो, यह कंफर्म हो गया कि हेड आना है, यह कंफर्म हो गया कि हेड आना है, तो क्या प्रायिकता है कि वह दोनों चित वाला सिक्का है। तो इनको हम मानेंगे E1, E2, E3 घटना है। तो भैया हेड है, हेड कहां पर होगा सबसे पहले समझना। घटना ई, सिक्के पर हेड आने की घटना, यह घटना ई बन गई। कैसे मालूम चला यह घटना ई बनाएंगे? जो बात कंफर्म होती है वही घटना ई होती है। उसके बाद हम लोग बनाएंगे क्या, E1, E2 और E3। ये तीन ही क्यों बनेंगे? क्योंकि तीन सिक्के पहले सिक्के के होने की घटना या चुनने की घटना, दूसरे सिक्के के होने की घटना, तीसरे सिक्के के होने की घटना। अच्छा, तो अब हम यहां पर निकालने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन। पहला सिक्का हो, सिक्के तीन हैं, तो 1/3 पहले सिक्के के चुनने की प्रायिकता क्या बनेगी? तीन में से कोई एक, 1/3। दूसरे सिक्के के चुनने की घटना की प्रायिकता क्या बनेगी? 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 1/3। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 1/E1। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 1/E1 यानी पहले सिक्के पर हेड आने की घटना। जरा देखो पहले सिक्के पर हेड है कहां? दोनों ओर हेड है, दोनों ओर हेड है, अर्थात एक समझ में आ गया। दोनों ओर हेड है, दो ही ओर होते हैं, 2/2 अर्थात एक टेल आएगा ही नहीं, और जिसकी संपूर्ण संभावना हो जाती है 100% वही तो एक हो, वही तो क्या है, एक है। दोनों ओर ही चित है और चित ही लाना है, तो एक लिख दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हेड आने की प्रायिकता कब? जब ये कंफर्म हो गया कि दूसरा सिक्का ही हाथ में है। तो दूसरा सिक्का अगर हाथ में है तो दूसरे सिक्के के बारे में देखो क्या दिया गया है, जिसमें चित 75% बार प्रकट होता है। कितने परसेंट बार प्रकट होता है? 75। कौन? हेड। 75/100, 25 × 3 = 75, 25 × 4 ये बन गया 3/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कब? जब तीसरा सिक्का चुन लिया गया। जरा तीसरे सिक्के की कहानी समझो, अनभिनत सिक्का है, अनभिनत मतलब कोई त्रुटि नहीं है, फेयर सिक्का है,
समझ गए? फेयर सिक्के में हेड आने की प्रायिकता कितनी होती है? एक बटे, क्या ये एक समझ में आया? ये 100% खोटा सिक्का था, ये 75% खोटा सिक्का था, और ये बिल्कुल फेयर था, ठीक है ना? तो ये फेयर था, तो ये हमारा प्रायिकता बन गई एक बटे दो, हेड आने की प्रायिकता एक बटे दो, टेल आने की प्रायिकता एक बटे दो। अच्छा, बेज की प्रमेय तुम पहले बता चुके हो, तो लिखेंगे बेज प्रमेय से क्या चाहिए, किसका चाहिए भैया, ये जरूर देखना भैया। ये तो कंफर्म है कि हेड आया है, इस बात की प्रायिकता कि भैया दोनों चित वाला सिक्का हो। दोनों चित वाला सिक्का कौन सा था? पहला वाला, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन बटे ई। क्या ये इवन बटे ई समझ में आया? बस फॉर्मूला लगा दीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बटे इवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बटे, कोई बात नहीं, बाद में लिख देंगे, चलो अच्छा लिख दो, इवन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बटे ई टू, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई थ्री इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बटे ई थ्री, वैल्यू पुट करनी है बस हम लोगों को। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन एक बटे तीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बटे इवन एक बटे तीन गुणे एक, ये हो गया। ई टू एक बटे तीन, ई बटे ई टू तीन बटे चार, एक बटे तीन गुणे तीन बटे चार प्लस एक बटे तीन गुणे एक बटे तीन गुणे एक बटे दो, एक बटे तीन गुणे एक बटे दो, एक बटे तीन, एक बटे तीन, एक बटे चार, एक बटे छ, एक बटे तीन ऐसे ही लासा ले लो, बारह, तीन चक्कू बारह, चार तिया बारह, छह दुनी बारह, तो ये बन गया एक बटे तीन गुणे बारह बटे नौ, चार तीन सात दो नौ, तीन से कितनी बार, आंसर आ गया चार बटे नौ। क्लियर है? नोट करो फटाक से। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। एक बीमा कंपनी 2000 स्कूटर चालकों, 4000 कार चालकों और 6000 ट्रक चालकों का बीमा करती है। दुर्घटनाओं की प्रायिकताएं क्रमशः 0.01, 0.03 और 0.15 है। बीमाकृत व्यक्तियों में से एक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। अच्छा, उस व्यक्ति के स्कूटर चालक होने की प्रायिकता क्या है? बेज प्रमेय लगने वाली है। सबसे पहले जो घटना कंफर्म होती है उसको बनाते हैं ई, तो घटना ई क्या बनेगी? दुर्घटना होने की घटना, दुर्घटना ग्रस्त होने की घटना। छोटी को का दुर्घटना ग्रस्त होने की घटना। इवन क्या है? घटना इवन क्या है? कार चालक के होने की घटना, कार पहला क्या है? स्कूटर। स्कूटर चालक के होने की घटना, ई टू
कार चालक के होने की घटना E3, ट्रक चालक के होने की घटना प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, यानी स्कूटर चालक होने की प्रायिकता क्या है, क्या प्रायिकता निकल कर आएगी कि स्कूटर चालक है। अब स्कूटर चालक है कितने, 2000, कितने में से, 4, 2, 6, 6, 6, 12000 में से स्कूटर चालक है 2000, 12000 में से। तो ये कट जाएगा, आ जाएगा 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितने, 4000/12000। ये कट जाएगा, 4 × 4, 4 × 3, 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 6000/12000। ये कटेगा, 6 × 6, 6 × 2, ये बन गया 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, ये कंफर्म हो गया कि भैया पहला यानी स्कूटर चालक है, इस बात की प्रायिकता कि दुर्घटना हो गई कितनी है, 0.01, अर्थात 1/ क्वेश्चन पूरा बट्टे में बना लो ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E2 0.03, 0.03 हटाओगे 100 बनाओगे अर्थात 3/100। प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E3 0.100, 0.01 हटा दोगे, 5 × 5 = 3/20। क्या इतनी बात क्लियर है? अच्छा, अब क्या करेंगे, सारा डाटा हमको मिल चुका है बेंच की प्रमेय, बेज प्रमेय से। बेज प्रमेय क्या कह रही है, प्रोबेबिलिटी, ये कंफर्म है कि दुर्घटना ग्रस्त है, तो दुर्घटना ग्रस्त है, बट्टे में तो ई आ गया, उसके क्या होने की, स्कूटर चालक, या स्कूटर और चालक, स्कूटर चालक होने की, समझ गए, यानी वो स्कूटर चला रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 × E/E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 × E/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 1/6 प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1 1/100 1/6 × 1/100 1/3 3/20 1/600 / 1/600 3 × 3 = 1/100 प्लस 3/40 1/600 / 600 = 40 का लासा ले लो, 600 तो 100 में आ जाएगा,
और बारह सौ, चालीस से कटेगा क्या? कट जाएगा, 600 ले लो लासा। तो 600 लासा ले लिया, यहाँ आ गया एक, यहाँ आ गया छः और जीरो, पंडा चक्कू साठ पंडा तिया 45, 600 से 600 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा एक बटे 45, 6 51 और एक, एक बटे 52 आंसर आ गया। समझ गए? नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 17। एक कारखाने में ए और बी दो मशीनें लगी हैं। पूर्व विवरण से पता चलता है कि कुल उत्पादन का 60% मशीन ए और 40% मशीन बी द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त मशीन ए का 2% भाग और मशीन बी का 1% भाग उत्पादन खराब है। यदि कुल उत्पादन का एक ढेर बना लिया जाता है और उस ढेर से अदृक्षा निकाली गई वस्तु खराब हो, तो घटना ई मिल गई कि वस्तु खराब है। तो क्वेश्चन नंबर है 17, घटना ई मिल गई वस्तु खराब होने की घटना, खराब होने की घटना। और इवन जिस बात की प्रायिकता पूछ रहा होगा वो कंडीशन बनेंगे, इवन ई टू ई थ्री जो भी होंगे, इवन और ई टू दो ही बनेंगी। इस वस्तु के मशीन ए द्वारा बने होने की प्रायिकता कहती है। तो मशीन ए द्वारा वस्तु के बने होने की घटना, फिर ई टू जान गए मशीन बी द्वारा फिर तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन निकालोगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन दो ही मशीन है जो 60% यानी 60/100, 3/3 ये काट लेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू 40/100, 2/ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बटे इवन। पहली मशीन को चुना गया है और उसमें वस्तु खराब होने की घटना कितने परसेंट? 2/100 अर्थात 1/50। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बटे ई टू 1/100। बेज प्रमेय लगेगी, बेज प्रमेय से, बेज प्रमेय से क्या बनाओगे भैया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बटे ई लिख लिया, जिसमें से कंफर्म घटना क्या है कि वस्तु खराब है और इवन क्या है? मशीन ए द्वारा। ठीक है, फॉर्मूला लगा दीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बटे इवन बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बटे इवन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बटे ई टू। तो क्या बनेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन 3/5 गुणे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बटे इवन 1/50। 3/5 गुणे 1/50 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू 2/5 3/250 प्लस 2 से काट ले 1/250 3/250 3 1
4/250 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 3/3। समझ गए? नोट करो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 18। दो दल एक निगम के निदेशक मंडल में स्थान पाने की प्रतिस्पर्धा में है। पहले तथा दूसरे दल के जीतने की प्रायिकताएं क्रमशः 0.6 तथा 0.4 हैं। इसके अतिरिक्त यदि पहला दल जीतता है तो नए उत्पाद के प्रारंभ होने की प्रायिकता 0.7 है, और यदि दूसरा दल जीतता है तो इस बात की संगत प्रायिकता 0.3 है। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि नया उत्पादन दूसरे दल द्वारा प्रारंभ किया गया था। यानी ये तो कंफर्म हो गया कि नया उत्पादन शुरू हुआ, ये तो कंफर्म हो गया, यानी उत्पादन शुरू होने की घटना ई बन गई। दूसरे दल द्वारा प्रारंभ किया गया था, इस बात की हमको प्रायिकता चाहिए, ये हमारा ईवन बन गया। तो भैया घटना ई क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 18 है, घटना ई क्या बनेगा? नए उत्पादन के प्रारंभ होने की घटना, नए उत्पादन के प्रारंभ होने की घटना। ईवन क्या बनेगा? दूसरे दल के जीतने की, ये कह सकते हो, दूसरे दल द्वारा, ये लिख दो, दूसरे दल द्वारा उत्पादन को प्रारंभ करने की घटना। E2 क्या है घटना? इसका पहले दल द्वारा उत्पादन को प्रारंभ करने की घटना। चलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन निकालने जा रहे हैं। पहले दल द्वारा उत्पादन को प्रारंभ करने की घटना, पहले तो स्थान पाएंगे वो, उत्पादन तो बाद में शुरू करेंगे। देखो भैया थ्योरी अगर ये लिखोगे कंफ्यूज जाओगे, है ना, यही लिखो। दूसरे दल के जीतने की घटना, है ना, दूसरे दल के जीतने की घटना, अब ठीक बनेगा, पहले दल के जीतने की घटना, अब तुमको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो पहले दल स्थान पा जाए, जीत जाए, पहला दल, घटना सही से बनाना। इवन क्या है? दूसरे दल के जीतने की घटना, तो दूसरे दल की बात करना है इवन में, नहीं गलती हो जाएगी। दूसरा दल जीतने की क्या प्रायिकता है? 0.4 लिखना, 0.6 मत लिख देना। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या है? क्या ये बात समझ पाए? इवन घटना क्या बोल रहे हो तुम? इवन घटना को बोल रहे हो दूसरे दल के जीतने की घटना। तो दूसरे दल के जीतने की, दूसरा दल जीतने की क्या घटना है? प्रायिकता 0.4, और पहले दल के 0.6। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ, मान लीजिए ये कंफर्म हो गया कि पहला दल जीत गया, अब उत्पाद के शुरू होने की प्रायिकता क्या बनेगी? तो नए उत्पाद के प्रारंभ होने की प्रायिकता, ठीक है, दूसरा वाला चाहिए हमको 0.3। ये समझ में आया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बटे इवन, इवन है क्या? दूसरे दल के, नहीं समझ पा रहे हो? हाँ, बहुत गलती होती है ये। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बटे E2 0.7। बस बेज प्रमेय लगने जा रही है, बेज प्रमेय। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन बटे ई
प्रोबेबिलिटी ऑफ ईवन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बटे ईवन बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू पहले ईवन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बटे ईवन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बटे ई टू। चलो वैल्यू रख देते, प्रोबेबिलिटी ऑफ ईवन 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बटे ईवन 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बटे ई टू 0.7, पहले 6 लिखो फिर 7 लिखो, ये रहा 0.6 और 0.7, 4 तिया 12, 6 7 42, 0.12, 0.54, 6 2 12, 6 54, आंसर आ गया 2/9। समझ गए, नोट करो फटाफट, नोट करना। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 19, थोड़ा सा अलग है। मान लीजिए कि कोई लड़की एक पासा उछालती है, यदि उसे 5 या 6 की संख्या प्राप्त होती है तो वह एक सिक्के को 3 बार उछालती है और चितों की संख्या नोट करती है। यदि उसे 1, 2, 3, 4 की संख्या प्राप्त होती है तो वह एक सिक्के को 1 बार उछालती है और यह नोट करती है कि उस पर चित या पट प्रकट हुआ। यदि उसे ठीक 1 चित प्राप्त होता है, यानी 1 चित की हमको क्या चाहिए, कंफर्म घटना चाहिए, तो उसके द्वारा उछाले गए पासे पर 1, 2, 3 या 4 प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। ठीक है, तो भैया सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 19 में हम ये लिखेंगे घटना ई क्या है, जो कंफर्म घटना है। कंफर्म घटना क्या कह रहा है, उसे ठीक 1 चित प्राप्त होने की घटना, ठीक एक हेड प्राप्त होने की घटना। अच्छा, फिर ईवन चाहिए हमको, ईवन कहां से लाओगे, उसके द्वारा उछाले गए पासे पर 1, 2, 3, 4 प्राप्त हो, तो ये हमारी ईवन घटना बना लीजिए इसको। पासे पर संख्या 1, 2, 3, 4 प्राप्त होने की घटना, और E2 क्या बनाओगे, पासे पर संख्या 5 या 6 प्राप्त होने की घटना। यहां तक बताओ, कोई समस्या? अच्छा चलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन देखते हैं। 1, 2, 3, 4 पासे पर 1, 2, 3, 4 प्राप्त होने की घटना प्रायिकता क्या बनेगी, 4/6, 2/3। ये 4/6 सबको समझ में आया, पासे पर कुल 6 अंक होते हैं और 1, 2, 3, 4 वो लाना चाह रहा था, तो 4 कितने में से, 6 में से, 2/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू 2/1/3। अब बहुत ध्यान से सुनना, प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1, E1 मतलब यह है कि उसे 1, 2, 3, 4 मिला था, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E 1, 2, 3, 4 मिलने पर वो कर क्या रहा है, कितनी बार, 3 बार, 1 बार उछाल रहा है। प्रश्न नहीं पढ़ पाओगे, जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे, क्वेश्चन तो बहुत दूर की बात है। साफ साफ लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4 जब प्राप्त होता है
तो सिक्का एक बार उछाल रहे, तो एक बार सिक्का उछालने में क्या क्या बनेगा देखो, रफली थोड़ा बना लो, हेड या टेल, हेड या टेल, और हेड कितना आया है, कितने में से, बस हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कब, जब घटना क्या हो रही हो, पांच या छह। अब पढ़ो प्रश्न में, पांच या छह आने पर वो कर क्या रहा, एक सिक्के को तीन बार उछालती है, तीन बार उछालती है, लो भैया कहानी बना दी पूरी, हेड 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 टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड, अपोजिट लिख दो, टेल 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 हेड टेल हेड टेल हेड टेल टेल, ये कहानी पूरी बन गई। और कितनी बार हमको चाहिए, एक बार, एक हेड प्राप्त होने की घटना, एक हेड प्राप्त होने की घटना, तो एक हेड देखो कहां मिला है, एक हेड, एक हेड, एक दो तीन, कितने में से, क्या ये डाटा समझ में आया, यही बच्चे फंसते हैं, इन दोनों वैल्यू में बच्चे फंस जाते हैं, समझ गए, और कई बार एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन। अब इसके बाद क्या करेंगे, बेज प्रमेय, बेज प्रमेय से बेज प्रमेय लगाएंगे, तो क्या बनाएंगे भैया, बेज प्रमेय बनाइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन बटे ई, इवन बटे ई, एक दो तीन चार वाली तो पूछ रहा है, हाँ तो क्या फॉर्मूला बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बटे इवन बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू, पहले इवन ही लिख लो, पहले ई बटे इवन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बटे ई टू, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन दो बटे तीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बटे इवन, ई बटे इवन एक बटे दो, दो बटे तीन गुणे एक बटे दो प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू एक बटे तीन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बटे ई टू तीन बटे आठ, दो से दो कट गया ऊपर आ गया एक बटे तीन, यहाँ दो से दो कट गया कितना आ गया एक बटे, यहाँ ये कट गया आ गया कितना एक बटे तीन, लाशा ले लोगे चौबीस, तीन अठे आठ तिया एक बटे तीन ग्यारह बटे, बट्टे के बट्टे गुड़े में चौबीस बट्टे ग्यारह तीन अठे, आंसर आ गया आठ बटे, समझ गए।